हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बेबी मम्मी हेल्प। मैं मेघा आपका अपने चैनल में दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बच्चों का रात में ना सोना माता पिता के लिए बहुत बड़ी टेंशन है। जब नवजात शिशु होते हैं तो माता पिता का सारा रूटीन चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चे तो अपनी नींद दिन में सोकर पूरी कर लेते हैं, लेकिन माता पिता ना तो दिन में सो पाते हैं और बच्चे रात में जागते हैं और ना ही वो रात में सो पाते हैं। तो ऐसे में अगर आपका बच्चा भी रात में समय पर नहीं सोता है तो आप क्या ऐसी चीजें कर सकते हैं जिससे कि बच्चे को रात में इजीली और बहुत ही आराम से सुलाया जा सके। तो दोस्तों, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब नवजात शिशु होता है तो नवजात शिशु केवल अपने टाइम पर से उठता है, अपने टाइम से सोता है। नवजात शिशु 6 महीने तक के, अगर मैं बच्चे की बात करूं तो एक बार सोने के बाद बच्चा 2 घंटे तक जाग सकता है। लेकिन अगर मैं 1 साल के बच्चे की बात करूं तो अगर बच्चा एक बार सो चुका है तो दूसरी बार तक सोने में वो 3 साढ़े 3 घंटे तक बीच में जाग सकता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जिस भी कमरे में आप बच्चे को सुलाएं वो कमरा एकदम शांत होना चाहिए। हल्की डिम लाइट आप जलाएं, धीरे धीरे बच्चे को थपकी दें और कमरे की लाइट धीरे धीरे मंदी करके बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है बहुत तेज लाइट हो रही है, शोर हो रहा है, बच्चे को सुलाने की कोशिश करें, ऐसे बच्चा कभी भी नहीं सोएगा। तो बच्चे को आप हमेशा थपकी देकर बहुत ही शांत माहौल में सुलाने की कोशिश कीजिए। शांत कमरा होना चाहिए, कमरा साफ सुथरा होना चाहिए, इस चीज का आप बहुत अधिक ध्यान रखिए। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, दूसरा आपको ध्यान रखना है बच्चे के सोने का टाइम। देखिए दोस्तों, हर बच्चे का सोने का टाइम अलग अलग होता है। सबसे पहले तो आप नोट कीजिए कि आपके बच्चे को नींद कब आती है। सुबह नींद आती है, शाम को नींद आती है, या दोपहर को आती है, या शाम होते ही बच्चा झपकिया लेने लगता है और रात को उठ जाता है। सबसे पहले तो आप बच्चे की नींद का समय चेक कीजिए कि बच्चे को नींद कब आती है। फिर धीरे धीरे बच्चे के नींद के समय को थोड़ा थोड़ा चेंज करते हुए बच्चे के समय को ठीक कीजिए। देखिए क्या होता है कि बड़ों की तरह बच्चों का भी एक रूटीन होता है, एक समय होता है सोने का। आप एक चीज नोट करेंगे, जिनके छोटे बच्चे हैं, अगर मैं अपनी भी बात करूं तो अगर मेरा बच्चा दिन में 4 बजे सोता है तो आप उसको किसी भी हालत में 3 बजे नहीं सुला सकते। कब सुला सकते हैं कि जब उसको 2 से 3 दिन मैंने लगातार 3 बजे सुलाया हो जबरदस्ती, तब वो 4थे दिन से अपने आप 3 बजे उसको नींद आने लगती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। ये चीज आप हमेशा आजमा कर देखिएगा कि अगर आपका बच्चा रात में 12 बजे सोता है और आप चाहते हैं कि बच्चा 11 बजे सो जाए, तो आपको 3 दिन बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी कि बच्चा 11 बजे ही सोए। 4थे दिन से आप देखेंगे कि बच्चा 11 बजे सोने लगता है। तो ये एक रूटीन होता है, सोने का समय होता है, जो धीरे धीरे से बच्चे का चेंज हो जाता है। अब आती है बात ठोस आहार की। देखिए, बच्चा अगर भूखा होगा तो बिल्कुल भी नहीं सोएगा। अगर मैं 6 महीने से छोटे बच्चे की बात करूं तो वो बॉटल फीड करता है, मदर फीड करता है। अगर बच्चे को भूख लगी है तो बच्चे को नींद नहीं आएगी। अगर मैं 6 महीने से छोटे बच्चे की बात करूं तो 6 महीने से छोटा बच्चा दूध पीता है तो वो मदर फीड करता है या फिर बॉटल फीड करता है। तो आप बच्चे को हमेशा पेट भर के ही दूध पिलाएं, उसके बाद उसको सुलाएं। और अगर मैं 6 महीने से बड़े बच्चे की बात करूं, बच्चा ठोस आहार लेने लगता है, तो बच्चे को आप दिन में 3 बार ठोस आहार अवश्य ही दें, जरूर खिलाएं, कि उसके बाद बच्चे को मिल्क दें। क्योंकि ठोस आहार लेने के बाद क्या होता है कि बच्चे का पेट भरा रहता है तो बच्चे को नींद लेने में बहुत ही सहायता मिलती है, बच्चा नींद अच्छे से ले पाता है। अदरवाइज क्या होगा कि बच्चा बार बार जागेगा, भूखा है, सो नहीं पाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। झपकी लेना बच्चे की तय करें। देखिए क्या होता है कि बच्चा दिन में, छोटा बच्चा है, दिन में बहुत बार झपकी लेता है। आप एक चीज नोट करेंगे कि जैसे ही रात होती है बच्चे और बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा खेलने लगते हैं। दिन में बच्चा अगर झपकी ले रहा है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर रात के समय सोने से पहले बच्चे ने झपकी ले ली तो आप ये मानिए कि बच्चा रिफ्रेश हो जाएगा, फिर बच्चे को आप नहीं सुला पाएंगे, बच्चा अच्छे से नींद नहीं ले पाएगा। ये आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर आपको नींद आ रही होती है और 5 से 10 मिनट भी अगर आप सो जाते हैं आंख बंद करके, तो आप दोबारा नींद नहीं ले सकते, आपको फिर से नींद नहीं आती है। तो शाम के समय के बाद से ध्यान रखें कि आपका बच्चा झपकी ना ले, क्योंकि झपकी लेने से बच्चे को ऐसा लगता है कि उसकी नींद पूरी हो गई है और फिर बच्चे को नींद नहीं आती है और बच्चा फिर अच्छे से नहीं सो पाता है। तो इस चीज का भी आप लोगों को बहुत अधिक ध्यान रखना है।
ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये वो बातें हैं जो मैंने अपने बच्चे के नींद में भी अप्लाई किया था, और मैंने ये चेंजेस देखे हैं कि अगर जब तक आप जागे रहेंगे, जब तक आप बच्चे का सोने का समय तय नहीं करेंगे, जब तक आपका बच्चा नहीं सोएगा। आज भी अगर मैं बात करूं, अगर मैं खुद काम कर रही हूं और 12 बजे बच्चे को सुलाती हूं, तो बच्चा 12 बजे ही सोने लगता है, और अगर मैं 2 से 3 दिन उसको 10:30 या 11 बजे सुलाने लगती हूं, तो वो 10:30 और 11 बजे से सोने लगता है। तो ये सब हम लोगों पर डिपेंड करता है, तो बच्चे अपने हिसाब से ही ढाले जाते हैं। तो आप कोशिश करके देख सकते हैं, बच्चे के समय को तय करके देख सकते हैं, ये 100% वर्क करता है दोस्तों। केवल 2 से 3 दिन आपको बच्चे को देना है, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेबी मॉमी हेल्प। थैंक यू, नमस्कार।